नमस्कार, मैं नेहा खान, स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची यूनिवर्सिटी के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल के विद्यार्थी जो है गणतंत्र दिवस के साथ साथ जो है सरस्वती पूजा भी मनाई जा रही है। जी हाँ, माँ शारदे कहे या फिर माँ सरस्वती कहे या फिर ज्ञान की देवी कहे, वहीं कहीं ना कहीं जो है हर्षोल्लास के साथ ये पर्व भी जो है मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस जो है सुबह ही मना दी गई थी, वहीं अभी कुछ देर बाद दोपहर के बाद जो है ये प्रोग्राम सारे जो है स्कूलों में कॉलेजों में जो कहा जाए वहाँ शुरू हुआ है। और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे खुशियों के साथ मनाते हुए। वही हम स्टूडेंट से जानेंगे कि ज्ञान की देवी कहे या फिर शिक्षा की देवी जो है यहाँ पे कोई आगे सामने किताबें रखते हैं या फिर कोई कॉपी रखते नज़र आते हैं। इसी तरह से जो है ज्ञान की देवी उसे ज्ञान देती है, जिसकी वजह से वो जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो हमारे साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ मौजूद है। ज्ञान की देवी जिसे कहते हैं, उनसे आपने क्या कुछ मांगा, क्या कुछ कहेंगे कि आज आप इस मुकाम पे अब तक? देखिए, छात्रों के आराध्य देवी माँ सरस्वती का आज पूजन दिवस है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर। माता से हम लोगों का यही कामना है कि सभी छात्रों के ऊपर अपना ज्ञान बरसाए और हम सबों पर का कल्याण करे, ताकि हमारा भविष्य आगे भी उज्ज्वल हो सके। आपने क्या कुछ प्रेरणा मांगी उनसे, क्या कुछ उनके समक्ष रखा आपने? माँ सरस्वती को का पूजन का तिथि को जो इंतजार होता है छात्र भर, हम लोग साल भर हम लोग छात्र इंतजार करते हैं ताकि माता का पूजन हम लोग कर सके और आगे का कामना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आज गणतंत्र दिवस भी था, इसे अब गणतंत्र दिवस को एक पर्व के रूप में भी अब मनाया जाता है। कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है हर्षोल्लास का माहौल जो है वो छाया हुआ नजर आता है। देखिए, संविधान भारत एक विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। चूँकि भारत आज़ादी के बाद पहली बार 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत अपना संविधान निर्माण 26 जनवरी 1950 को किया, उसके बाद भारत एक अपने नियम कानून और जो संविधान है उसके अनुसार नियमतः चलना शुरू हुआ। साथ यहाँ पे और भी महिलाएं मौजूद है, यानी कि विद्यार्थी सारे मौजूद हैं। उन विद्यार्थियों से जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ उन्होंने मांगा ज्ञान की देवी से। ज्ञान की देवी आपको शिक्षा देती है, क्या कुछ आपने मांगा ज्ञान की देवी से? बहुत ज़्यादा ही ज्ञान मांगा, ताकि आगे जाके बहुत अच्छा हम आगे कर सकें फ्यूचर में। तो बस यही मानते हैं कि भगवान वरदान देते रहे मुझे और मैं आगे बढ़ते रहूं। इस बार कौन सी कक्षा में है? सेमेस्टर वन से है। सेमेस्टर वन में। हाँ, आगे की तैयारियों के बारे क्या सोचे हैं या अब के बारे में क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे? कलम कॉपी किताबें रखते हैं ज्ञान की देवी के सामने लोग जो होता है, और उनकी प्रेरणा मांगते हैं कि हमें भी ज्ञान दे। जी, तो सभी यही सोच के रखते हैं कि ताकि मतलब अच्छा रिजल्ट हो इन फ्यूचर जाके। अभी तो फिलहाल हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके बाद बीएड करने की तैयारी करेंगे। मेरा नाम छलिक साव हुआ, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी से अभी सेमेस्टर वन। हमारे साथ यहाँ पे पेरेंट्स भी मौजूद हैं, हम पेरेंट्स से जानेंगे। कहीं ना कहीं आपके बच्चे जो है इस कॉलेज में पढ़ते होंगे। जी पढ़ते हैं। पूजा है, ज्ञान की देवी की पूजा है, क्या कुछ मांग रही आप अपने बच्चों से, बच्चों के लिए ज्ञान की देवी से? आज तो इतना भागदौड़ का जिंदगी है, बच्चे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, बट फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी हो ही जा रहा है उन लोग का। तो वही मैं भगवान से मैं विनती करती हूँ माँ शारदे से कि बच्चों का मेहनत सफल हो, उनका मतलब मनोकामना पूरी हो। ये छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को लेके आई हूँ क्योंकि आस्था से भी इन लोगों को जुड़ा के रखना जरूरी है। आजकल लड़कियों को जो है आज भी इतना जागरूकता सरकार फैला रही है, पर कहीं ना कहीं लड़कियाँ आज भी पढ़ाई में पीछे है, क्या कहेंगे? वैसे देखा जाए तो मतलब ऐसा हर जगह से तो नहीं देखा जा रहा है, मतलब जो सुदूर कास्ट है वही अभी लड़कियां पीछे हैं। मतलब आज के इस युग में तो यही देखा जा रहा है। मैं यही मोरावादी से हूँ, किरण कुमारी महतो। ने सुना कि यहाँ पे पेरेंट्स भी आकर के मौजूद है, और पेरेंट्स भी जो है ज्ञान की शिक्षा की देवी का है, माँ शारदा का है, उनसे जो है लगातार यही उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बच्चों को अच्छा भविष्य बने और उनको पढ़ने लिखने में काफ़ी कामयाबी मिले। जीएन भारत से नेहा खान की रिपोर्ट।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।